नमस्कार मित्रों, ब्रांच सोसाइटी हिंदुस्तान के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ब्रांच सोसाइटी हिंदुस्तान को पढ़ते हैं और हमारे न्यूज को देखते हैं। मैं खबरी बाबा, 2017 बीतने वाला है और 2018 आने वाला है। भगवान करे सबका आने वाला साल बहुत अच्छा हो। अभी 2017 में जितनी भी न्यूज आई है, सबसे बड़ी न्यूज फ्लैश हो रही है कि बिग बॉस को दी गई चेतावनी, बिग बॉस के संस्थापक को दी गई है चेतावनी। वीर सेना जो पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व को बचाने के लिए राम मंदिर के निर्माण हेतु काम कर रही है, उसके द्वारा दी गई चेतावनी। आपको बता दूं कि वीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन पाल, जो बिग बॉस में अश्लीलता हो रही है उसके खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं, और धमकी देकर उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द इसके बारे में बताया जाए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। बिग बॉस में अफगानिस्तान की कलाकार अर्शी खान को लिया गया, जिसके खिलाफ वीर सेना बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि अर्शी खान ने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की है। भारत और पाकिस्तान के जब मैच चल रहा था, उस समय में अर्शी खान ने बयान दिया था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मतलब बेटा भारत हुआ और बाप पाकिस्तान हुआ, अर्शी खान का यही कहना है। इसलिए वीर सेना ने निवेदन और चेतावनी देकर बिग बॉस से कहा है कि आप ऐसे ऐसे कलाकारों को ना ले जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अर्शी खान जो बिग बॉस में अश्लीलता की थी, उसका वायरल वीडियो पूरे भारत में हो रहा है और पूरे दुनिया में हो रहा है, जिसके वजह से वीर सेना बहुत ही गुस्से में है। वीर सेना का संगठन पूरे भारत देश में बहुत जल्दी हो जाएगा, और अभी वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें काम कर रहे हैं। वीर सेना के निरंजन पाल जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक ही शब्द में बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे हिंदुत्व को, मेरे समाज को कोई खतरा ना हो, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं खबरी बाबा, जैसे कि आपको बताने जा रहा हूं कि बिग बॉस में आपको याद होगा अभी 2011 के सीजन में जो घटना हुई थी पुनीस और बंदगी के बीच। पुनीस और बंदगी ने ऐसा काम किया है बिग बॉस के अंदर जिससे हमारे समाज को और हमारी युवा पीढ़ी को खराब होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार करते हुए 2 बजे रात में, 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा था, तब ये बाथरूम के अंदर जाकर कपड़ा धोने के बहाने कितने घंटे बिताकर आए, जिससे हमारा समाज, आप समाज को क्या दिखाना जा रहे हैं, आप युवा पीढ़ी को क्या बताने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जिस तरह से उन लोगों ने खुलेआम कैमरा के सामने ये गंदी हरकतें की है, इससे वीर सेना बहुत ही गुस्से में है, जिससे जिससे कि वीर सेना का एक ही उद्देश्य है कि ये समाज के अंदर जो कृतज्ञ जो घटना हो रही है उसे बंद किया जाए। बिग बॉस बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये वीर सेना बोल रही है। खबरी बाबा, आप लोगों को ऐसे ही खबर देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।